नमस्कार बच्चों, हम लोगों का जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें हमारे चार चैप्टर थे, जो पादपों में होने वाले जो जनन है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं आपका सीधा पढ़ा रही हूँ चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है नाइट्रोजन चक्र तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 11th में मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने कहा भी था कि ये टॉपिक वापस आपके 12th के अंदर काम आने वाला है, तो ये वही टॉपिक है, उसी से रिलेटेड चीजें हैं। मैंने आपको कुछ दो चार चीजें जो थी इससे रिलेटेड एक्सप्लेन की थी, लेकिन 12th में आपको थोड़ा सा 11th से इसको जो है ब्रीफली लेके चलना पड़ेगा 12th के अकॉर्डिंग, है ना। 11th में तो आपके इन शॉर्ट एक पैराग्राफ भी दिया हुआ था बुक में, बट फिर भी मैंने आपको समझाया था, तो उसी को थोड़ा सा बढ़ाकर इसके अंदर बताया गया है। तो इजी चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। नाइट्रोजन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए या कोई भी स्तर जो है पूछ लिया जाता है, पर हाँ इसमें से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, है ना, प्रोबेबिलिटी रहती है आने की। तो हम लोग ये चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखो नाइट्रोजन जो होती है वायुमंडल में टोटल कितना परसेंट है, 78% है। अब जो प्रोटीन वगैरह ऐसे जो हमारे आवश्यक घटक है उनमें, जैसे न्यूक्लिक अम्ल हो गया हमारा, डीएनए आरएनए, उसमें भी क्या उपस्थित होती है, नाइट्रोजन। दैट मीन्स जितने भी सजीव हैं उनको सरवाइव करने के लिए क्या जरूरी होती है, नाइट्रोजन आवश्यक होती है। हमारे डीएनए के अंदर होते हैं नाइट्रोजनी क्षार, होते कि नहीं होते, तो नाइट्रोजन जरूरी है हम लोगों के लिए। डीएनए होगा तभी तो प्रोटीन बनेगा, क्योंकि अनुलेखन अनुवादन आप पढ़ चुके हो, है ना। तो डीएनए का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, अनुवादन के अंदर प्रोटीन है वो कैसे बनता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत 11th क्लास के अंदर। तो वही चीजें हैं, यहां से हम ये समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है हमारे लिए, ठीक है। क्या होता है N2, यानी दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो दो परमाणु होते हैं, सॉरी, नाइट्रोजन के कणों के अंदर, वो आपके ट्रिपल बॉन्ड से इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये N2 हमारी बनती है। अब इसके अंदर पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते, यानी ग्रहण नहीं कर पाना या उपयोग में नहीं ले पाना। किसी भी तत्व को उपयोग में लेना स्वांगीकरण कहलाता है, हम लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर। किसी भी तत्व को उपयोग में लेना क्या करते हैं, स्वांगीकरण। तो पौधे स्वांगीकरण नहीं कर पाते, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे उपयोग में नहीं ले पाते। वो अगर नाइट्रोजन लेंगे, लेना तो जरूरी है उनके लिए, क्योंकि डीएनए आरएनए तो उनकी भी कोशिकाओं में होता है ना भैया। तो इसीलिए वो जो नाइट्रोजन लेते हैं वो किस रूप में लेते हैं, वो चार यौगिक के रूप में यूज करते हैं। पादप चार प्रकार से नाइट्रोजन यौगिक का उपयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से यौगिक होते हैं। तो नाइट्राइट होता है, नाइट्रेट होता है, अमोनिया होता है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। यानी अगर ये N2 है इस रूप में हुई तभी क्या करेंगे, पौधे इस जो नाइट्रोजन है उसका उपयोग कर पाएंगे, सीधे इस रूप में उपयोग नहीं कर पाते हैं। अरे वाह, समझ में। तो इन चार फॉर्म के अंदर जो है नाइट्रोजन को उपयोग में लाया जाता है पौधों के द्वारा, समझ आ गई बात। अब आता है नाइट्रोजन चक्र, उसकी परिभाषा और कौन कौन से चरण होते हैं। तो देखो सबसे पहला स्थिरीकृत नाइट्रोजन, ये क्या चीज होती है, ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है यानी हमारा N2 है उसको इस रूप में बदलना। ये जो चार रूप आप देख रहे हो ना, ये चार नहीं तो भी हम तीन, तो ये मेन है ही है पौधे के लिए, है ना। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अगर हम किस में बदल दें, नाइट्राइट नाइट्रेट और अमोनिया के अंदर, तो ये क्या कहलाएगी, स्थिरीकृत नाइट्रोजन। क्या कहलाएगी, स्थिरीकृत नाइट्रोजन। तो N2 वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्राइट नाइट्रेट अमोनिया और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये जो फर्स्ट है हम लोगों ने, तो वो जो जो रूप है नाइट्रोजन का वो क्या कहलाएगा, स्थिरीकृत नाइट्रोजन। तो स्थिरीकृत नाइट्रोजन को विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि अमोनीकरण होता है, अमोनिया का निर्माण होना है ना प्रोटीन के अपघटन से, विनाइट्रीकरण आदि के द्वारा पुनः वातावरण में पहुंचाना, यानी ये जो नाइट्रोजन आती वातावरण से है इसका स्थिरीकरण होता है, अमोनीकरण होता है, विनाइट्रीकरण होता है, और वापस ये वापस नाइट्रोजन कहाँ मिल जाती है, वातावरण में। तो ये पूरा जो चक्र चल रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन चक्र कहेंगे। तो
तो कौन कौन से चरण होते हैं? सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसमें बदला जाता है? नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया, इनके अंदर। फिर अमोनीकरण होता है, फिर नाइट्रीकरण आता है, और लास्ट आता है वी नाइट्रीकरण। तो इन्हीं सारे स्टेप्स को हमको वन बाय वन पढ़ना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, क्या क्या इसके प्रकार होते हैं, फिर अमोनीकरण क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है, वी नाइट्रीकरण क्या होता है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है इससे रिलेटेड, वो है गुल्ली का निर्माण, ठीक है, इसी चैप्टर में है वो, उसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गुल्ली का निर्माण की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये जो आपके 11th में नहीं था, लेकिन 12th में ये एक एक्स्ट्रा चीज, मैंने कहा ना कि एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो ये एक्स्ट्रा चीज वही एड हुई है, गुल्ली का निर्माण। बाकी जो चीजें हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत, है ना। तो अभी हम लोग इसका फर्स्ट जो इसके चरण है उसमें हम फर्स्ट हम टॉपिक लेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। चार चरण है, चार में से हम पहला जो चरण है वो पढ़ने वाले हैं। ओके, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ने वाले हैं, जो कि नाइट्रोजन चक्र का हमारा पहला जो स्टेप है वो है, या पहला चरण बोल सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है, अगर आप लोग देखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर सामने देखते हैं तो होता क्या है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब है, अगर डेफिनेशन निकालते हैं, कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विभिन्न कारकों के माध्यम से किस रूप में बदलना, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के रूप में बदलना, वो कोई भी हो सकते हैं, अमोनिया हो सकता है, नाइट्राइट, NO2 और NO3 नाइट्रेट के रूप में बदला जा सकता है। यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और कौन बदलता है? विभिन्न कारक। वो कारक कौन कौन से हो सकते हैं? औद्योगिक भी हो सकते हैं, वायुमंडलीय तड़ित यानी अजैविक कारक भी हो सकते हैं, और जैविक यानी जीवाणु वगैरह भी हो सकते हैं। इसके आधार पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कितने प्रकार बनाए गए हैं? दो। अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं तो पहला आपको प्रकार दिख रहा है अजैविक स्थिरीकरण, और दूसरा इधर दिख रहा है आपको कौन सा है, जैविक स्थिरीकरण, है ना। ना का मतलब यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है, तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो अभी हम लोग जो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, यानी स्थिरीकरण के कितने प्रकार हो गए बेटा? दो। फर्स्ट वन इज ओवर अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और सेकंड हमारा हो गया कौन सा, हेडिंग देखो सामने, फर्स्ट जो सेकंड हो गया वो हमारा हो गया जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। समझ आ रहा है? अब हम लोग हमारा जो मेन कंटेंट पढ़ना है वो है हमारा फर्स्ट पोर्शन, हम इसको लेंगे जो है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ओके, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दो प्रकार है, पहला है अजैविक प्रकार और सेकंड टाइप है हमारा कौन सा, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। समझ आ रहा है? तो अभी हम लोग इसमें पहला शुरू कर रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार में, वो हमारा जो प्रकार है वो हम लोग देखेंगे। तो अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या मतलब आप समझेंगे? अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब ये होगा कि वहां सूक्ष्म जीव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यानी सूक्ष्म जीव वहां पर अपनी क्रिया नहीं करेंगे, पर फिर भी नाइट्रोजन किस रूप में बदलेगी, अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में बदलेगी। तो सबसे पहले है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दो प्रकार हैं, वायुमंडलीय तड़ित के द्वारा और औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसको हम हेबर विधि के नाम से भी जानते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले आता है वायुमंडलीय तड़ित के द्वारा, यानी जो बिजली गड़कती है, बारिश होती है, उस समय नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, वो किस तरीके से होता है, देखो क्या होता है, N2 यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है, जब क्या होता है, बिजली चमकती है, मेघ गर्जन होती है, बादल गरजते हैं, और ये किसमें चेंज हो जाते हैं, दो मॉलिक्यूल किसके बन जाते हैं, N2O2, दोनों के पास कितने कितने परमाणु हैं, दो। तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड के दो हमारे पास अणु बन गए हैं। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फिर से ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ एड होगा और क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। फॉर्मूला यहाँ NO था, यहाँ पे क्या हो गया, फिर NO2, और कितने अणु हैं, दो। फिर ये NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसके साथ क्या जुड़ेगा,
उसके साथ जुड़ेगा जल, जल जुड़ने के बाद HNO3। HNO3 किसको बोलते हैं बेटा? HNO3 का क्या मतलब है? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल है और HNO2 बन रहा है। HNO2 का मतलब क्या हो गया? नाइट्रस अम्ल बोलते हैं इसको। तो नाइट्रिक अम्ल ये HNO3 और नाइट्रस अम्ल HNO2 बनेगा। अब ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल, अम्लीय वर्षा होती है ना, अम्लीय वर्षा के दौरान ये कहाँ पहुंचेगा? मृदा। मृदा में क्यों कौन होते हैं? क्षारीय पदार्थ, ठीक है। तो ये जो क्षारीय पदार्थ होते हैं इनसे ये HNO3 रिएक्ट कर नाइट्रेट जो है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इस तरीके की ये जो आप क्रिया देख रहे हो ये हमारी हुई किसके अंदर? अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के, वायुमंडलीय या तड़ित के द्वारा होने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। फिर आता है सेकंड हमारा, हम देखते हैं अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कहीं पे भी जीवाणुओं का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना। फिर आता है औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसको हम हैबर प्रोसेस कहते हैं, यानी इंडस्ट्री के अंदर अमोनिया बनाई जाती है और अमोनिया क्या है? नाइट्रोजन युक्त यौगिक ही है ना, तो इसको भी हम इसी में काउंट करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उच्च ताप और दाब पर मिलाया जाता है और क्या बनाई जाती है? अमोनिया बनाई जाती है। 10th क्लास में यह रिएक्शन आपको पढ़ाई थी, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन और इस तरीके की कर, ठीक। तो ये इसको हैबर विधि कहते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिनसे अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। समझ आ गया होगा, आई होप सो, अच्छे से सभी को। ओके, सेकंड जो टाइप है हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, वो हमारा सेकंड टाइप है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला जाएगा, यानी किसमें बदला जाएगा? नाइट्राइट, नाइट्रेट। नाइट्राइट का फॉर्मूला NO2 एंड नाइट्राइट, नाइट्रेट का NO3, है ना, तो इन सब और अमोनिया NH3 में बदला जाएगा। लेकिन ये क्रिया किसके द्वारा की जाती है? अगर जीवाणुओं के द्वारा की जाएगी तो क्या कहलाएगी? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगी। ये दो तरीके की से होती है, जीवाणु दो तरीके के होता है, आपको पता है। सहजीवी, सहजीवी किसको कहते हैं? जो किसी अन्य पादप के साथ या अन्य जीव के साथ जीवन क्या करते हैं? जीते हैं दो मिलकर। यानी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था लाइकेन, लाइकेन किसका होता है? शैवाल और जो कवक होता है उसका होता है। एक जो होता है शैवाल होता है उसके पास क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्रिया कर पाता है, क्योंकि हरित लवक जो होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं, इसकी वजह से वो अपना भोजन बना पाती है। और जो पंजाई होती है या कवक होती है उसके पास हरित लवक नहीं होता, तो वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाती। तो वो दोनों मिलकर एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जो शैवाल होती है वो भोजन बना के देती है और कवक उसको स्थान प्रदान करती है रहने के लिए, किसको? शैवाल को। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहकर अपन जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सहजीवन, ठीक है। तो कुछ जीवाणु जो होते हैं जैसे कि लेग्यूमिनेसी कुल या फलीदार पादप जो होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं जीवाणु, जैसे राइजोबियम, है ना, वो सहजीवी जीवाणु होते हैं। लेकिन कुछ जो जीवाणु होते हैं वो मृदा के अंदर क्या होते हैं? मुक्त रूप से पाए जाते हैं, वो किसी अन्य जीव के साथ डिपेंडेंट नहीं होते, किसी अन्य पादप पर डिपेंडेंट नहीं होते। जो डिपेंड नहीं होते उन्हें असहजीवी कहते हैं, और जो डिपेंड होते हैं किसी अन्य जीव के साथ जीवन मिलकर जीते हैं वो क्या होते हैं? सहजीवी। तो इसी आधार पर जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। असहजीवी, ये जो जीवाणु होते हैं वो मुक्त रूप से मृदा के अंदर पाए जाते हैं। वायवीय जीवाणु जैसे एजेक्टोबैक्टर बैक्टर हो गया, अवायवीय जीवाणु कोलेस्ट्रीडियम हो गया, और नील हरित शैवाल जैसे नोस्टॉक और एनाबिना होती है, जिनमें हेटेरोसिस्ट सेल्स होती है। कौन सी? हेटेरोसिस्ट सेल्स होती है, किसमें? नोस्टॉक जो होती है उसके अंदर, ठीक। तो वो जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करती है? मदद करती है। अब स्थिरीकरण के लिए ये वायवीय, इनको वायु चाहिए होती है, इनको नहीं चाहिए होती है, और ये नील हरित शैवाल है जो ये वायु की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में पाए जाते हैं। अब आता है सहजीवी, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट सहजीवी, क्योंकि ये जो है सहजीवी जीवाणु जैसे कि राइजोबियम होते हैं, वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, गुलिका कहते हैं उसको। ये निर्माण कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि गुलिका निर्माण किस तरह से किया जाता है पादपों के अंदर सहजीवी जीवाणुओं के द्वारा। ये क्वेश्चन आपको अलग से पूछा भी जा सकता है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है।
ये जो गुलिका बनती है दो तरीके से बनती है, एक तो मूल गुलिका यानी गुलिका का निर्माण जड़ में भी किया जाता है जीवाणु के द्वारा, और दूसरा होता है स्तंभ गुलिका जो है वो तने के अंदर गुलिका बनाई जाती है। तो मूल गुलिका में तो राइजोबियम आ गए, और स्तंभ बनाने का काम होता है एजो राइजोबियम जीवाणु के द्वारा किया जाता है। अब हम ये जो सहजीवी जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे किया जाता है और गुलिका निर्माण कैसे होता है इसको हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे। समझ आ रही है बात?